Good morning students, welcome in the next lecture of Pharmacology 1. Students, we are going to start my very elaborated chapter, that is anti-infective agents. As the name indicates, in this chapter we will discuss various kind of drugs which are used to treat various type of infections. Anti-infective, meaning against infection. So in this chapter, first of all we are going to start our topic, that is antifungal drugs, antifungal against fungus. These are the drugs which are used mainly in the treatment of fungal infections. ठीक है? तो आप definition जो है simply name से ही derive कर सकते हैं. Basically these drugs are mainly used in the treatment of infections of hair, fungus infection body की disease part में आकर होती है. वहाँ के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में हम इन ड्रग्स को यूज करते हैं. इन्फेक्शन ऑफ हेयर और म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन और नेल्स. और इनमें ये जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से टाइप के फंगल इन्फेक्शन होती हैं, लाइक ईस्ट, जैसे फिलामेंटस फंगस ऑफ जेनेरा कैंडिडा. कैंडिडा आप लोगों ने सुना होगा, कैंडिडियासिस. कैंडिडियासिस बड़ी कॉमन इन्फेक्शन है. जैसे इनकी फिर ट्राइकोफाइटॉन, उसके अलावा इसमें जो आती है डीमिया, रिंगवॉर्म इन्फेक्शन, वो सारी इसके अंदर आती है. देन एपिडर्मोफाइटा और माइक्रोस्पोरम. इन फंगस की जो इन्फेक्शन होती है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में होती हैं, और इनके ट्रीटमेंट के लिए हम एंटी फंगल ड्रग्स को यूज करते हैं. ये जो ड्रग्स होती हैं बेसिकली ये क्या करती हैं, जो फंगस की सेल मेम्ब्रेन होती है उसके स्पिरोल के ऊपर ये एक्ट करती हैं, और इसकी जो परमेबिलिटी है उसको इंक्रीज करती है, और इनके जो सेल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं फंगस के उसकी लीकेज में ये हेल्प करती है. अब जो आपकी एंटी फंगल ड्रग्स हैं उसको आगे आप कैसे क्लासिफाई करते हो, इसकी ओरिजिन के अकॉर्डिंगली दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन. फर्स्ट इज नेचुरल एंटी फंगल ड्रग्स. नेचुरल एंटी फंगल ड्रग्स में आती हैं आपकी एंटीबायोटिक्स एंड फैटी एसिड्स. एंटीबायोटिक्स में आपने कौन कौन सी ड्रग्स पढ़नी है, फर्स्ट ड्रग इज ग्रीसोफुलमिन. ग्रीसोफुलमिन में भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, काफी पॉपुलर ड्रग है. ये जो ड्रग होती है ग्रीसोफुलमिन, दिस इज बेसिकली एंटीबायोटिक जो अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ से जो है आपको मिलती है. स्पेशली जो पेनिसिलियम ग्रीसोफुलमिन है उसके कुछ स्ट्रेन होते हैं, उनकी ग्रोथ से आपको ग्रीसोफुलमिन जो है मिलती है. व्हाइट से पेन क्रीम कलर की ड्रग होती है, ऑर्डरलेस होती है, स्मेली होती है, टेस्टलेस पाउडर होता है, और वाटर में बहुत ही स्लाइटली सॉल्युबल होती है. स्टोरेज है वेल क्लोज कंटेनर, और इसको आप जो है ओरली पेशेंट को देते हैं बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में, जैसे हेयर की इन्फेक्शन है, नेल्स की इन्फेक्शन है, स्किन की इन्फेक्शन है. ये जो ड्रग होती है जब पेशेंट को ओरली आप देते हैं तो इसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो सर्टेन ही होती है, इनरेगुलर एब्जॉर्प्शन होती है, बड़े लंबे टाइम तक ये जीआईडी में से एब्जॉर्ब होती रहती है. इसकी एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करने के लिए ये माना जाता है कि अगर आप उसको फैटी मील के साथ देते हैं तो पेशेंट ने कोई फैटी मील खाया है तो ये बेटर एब्जॉर्ब होती है. इसकी मार्केट में जो है टैबलेट्स आती हैं. नेक्स्ट ड्रग जो है आपकी, दैट इज एम्फोटेरेक्सिन बी. ठीक है, एम्फोटेरेक्सिन बी जो है ये बहुत सारे एंटी फंगल क्वालीन का मिक्सचर होता है. ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडुसस,
इसको यूज करते हैं। इसके अलावा ये ओरली ली जाती है ताकि ओरल यानी मुंह के अंदर अगर कोई कैंडिडा की जहाँ इंटेस्टाइन के अंदर कोई कैंडिडा इन्फेक्शन है उसके ट्रीटमेंट में ये दी जाती है। तो एम्फोटेरिसिन भी मार्केट में ओरल फॉर्म में भी मतलब टैबलेट वगैरह फॉर्म में भी अवेलेबल है और टॉपिकल फॉर्म क्रीम वगैरह के फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो ये है आपकी दो एंटीबायोटिक्स लिसोफुल्मिन और एम्फोटेरिसिन बी। ये है आपके नेचर एंटीफंगल एजेंट्स। उसके बाद आते हैं आपके सिंथेटिक एंटीफंगल एजेंट्स। वो केमिकली नहीं तो वो सिंथेटिकली बनाए जाते हैं। फर्स्ट ड्रग है माइकोनाज और नाइट्रेट, काफी पॉपुलर है मार्केट में। माइकोनाज का नाइट्रेट सॉल्ट अवेलेबल है। ये अगर ड्रग आप केमिकली देखेंगे तो इमिडाजोल एंटीफंगल एजेंट है। आप लोगों ने इमिडाजोल की रिंग पी हुई है तो इसके अंदर इमिडाजोल की रिंग होती है। स्किन के ऊपर ये अप्लाई की जाती है या म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर अप्लाई की जाती है स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि ये जो आपका फंगस होता है उसका फंगस का सेल होता है उसका एक क्रिटिकल कंपोनेंट होता है दैट इज एल्गोस्पिरोन। ये उसके सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है तो इस तरीके से ये फंगस की ग्रोथ को भी रोक देती है। तो ये व्हाइट और ऑलमोस्ट व्हाइट कलर की ऑर्डरलेस होती है या ऑलमोस्ट ऑर्डरलेस होती है। क्रिस्टलाइन पाउडर होता है या माइक्रो क्रिस्टलाइन पाउडर होता है। वाटर में और ईथर में ये स्लाइटली सॉल्युबल होती है। अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म में भी ये स्लाइटली सॉल्युबल होती है। स्टोरेज है वेल क्लोज्ड कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसकी इंटरवीनस इंफ्यूजन भी दी जाती है। जैसे किसी को बहुत सीवियर सिस्टमिक कोई है तो वहां पे इसकी आईवी इंफ्यूजन पेशेंट को दी जाती है। इसके अलावा ये ओरली दी जाती है। जैसे किसी पर्सन को ओरल कोई इन्फेक्शन है या इंटेस्टाइन में कोई कैंडिडा की इन्फेक्शन है तो यहाँ वहां पे ये पेशेंट को टैबलेट की फॉर्म में दी जाती है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट है जिसके लिए हाई रिस्क है ऑपोर्चुनिटिक फंगल इन्फेक्शन का यानी उसका एक्सपोजर है ऐसी जगह पे जहां पे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस तो उस पेशेंट को इन्फेक्शन होने से पहले ही ये प्रोफाइलैक्टिकली पेशेंट को दी जाती है। इस पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन होने का बहुत रिस्क होता है। ये 2% क्रीम लोशन या पाउडर की फॉर्म में अप्लाई की जाती है स्किन और नेल के ऊपर। ठीक है, अगर स्किन और नेल के ऊपर जो है फंगल इन्फेक्शन होती है तो वहाँ पे ये क्रीम में लोशन में या पाउडर की फॉर्म में अप्लाई की जाती है। इसलिए मार्केट में इसकी सारी प्रेपरेशन माइकोनाजोल नाइट्रेट इंजेक्शन अवेलेबल है, क्रीम अवेलेबल है, इसके अलावा विलायनल सपोजिटरीज भी अवेलेबल है। नेक्स्ट ड्रग है आपकी कीटोकोनाजोल। सारे ये एक दूसरे से रिलेटेड ही हैं। कीटोकोनाजोल क्या होता है? वो सिंथेटिक इमिडाजोल, देखिए ये भी इमिडाजोल का रिलेटेड भी है और ये भी फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज होती है। व्हाइट और ऑलमोस्ट व्हाइट कलर का पाउडर होता है। वाटर में प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होती है, ईथर में भी इनसॉल्युबल होती है। ये डाई क्लोरोमिथेन के अंदर फ्रीली सॉल्युबल होती है। क्लोरोफॉर्म में और मिथाइल अल्कोहल में इनसॉल्युबल होती है, बट इथाइल अल्कोहल में ये स्लाइटली सॉल्युबल होती है। स्टोरेज है एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसको आप यूज कहाँ करते हैं? बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। जैसे जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई फंगल इन्फेक्शन है उसके ट्रीटमेंट में आप इसको ओरली देते हो। जब वजाइना की जो कैंडिडा इन्फेक्शन है वहाँ पे, स्किन और नेल की जो टीबिया इन्फेक्शन है वहाँ पे भी इसको ओरली दिया जाता है। इसके अलावा जो पेशेंट्स जिनकी इम्यूनिटी डाउन होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, उनको अगर फंगस इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं तो वहाँ पे इसको प्रोफाइलैक्टिकली यानी इन्फेक्शन होने से पहले ही प्रिकॉशन की फॉर्म में दिया जाता है। तो मार्केट में इसकी जो है टैबलेट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपकी इट्राकोनाजोल। इट्राकोनाजोल ये भी जो है आपकी ट्रायाजोल एंटीफंगल एजेंट है। इसको आप पेशेंट को ओरली और टॉपिकली मतलब स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए दे सकते हैं और ओरली भी दे सकते हैं। ये एक वीक बेस होता है। वाटर में ये प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होती है। इसके अलावा डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशंस में भी ये प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होती है।
किया जाता है। नेक्स्ट जो आपकी ड्रग आती है दैट इज नाइट्रिटिन हाइड्रोक्लोराइड, ये भी लेटेस्ट कंपाउंड है और ये टॉपिकली जो है अप्लाई की जाती है 1% क्रीम जेल और सोल्यूशन के फॉर्म में। बहुत सारे स्किन की फंगल इन्फेक्शन में इसको यूज किया जाता है। और ये लास्ट ड्रग इस कैटेगरी में आती है दैट इज सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट्स में दैट इज फ्लुकोनाजोल। फ्लुकोनाजोल जो है ये व्हाइट या ऑलमोस्ट व्हाइट कलर का क्रिस्टल पाउडर होता है, वाटर में ये स्लाइडली सॉल्युबल होती है। स्टोरेज है एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर से इसको बचा कर रखना पड़ता है। ये भी ट्रायल है एंटी फंगल एजेंट होती है और सिस्टमेटिकली इसको कैंडिडा इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में हम लेते हैं। इसकी जो डेली डोज होती है दैट इज 50 mg, ठीक है, ओरल रूप से हम इसको देते हैं। मार्केट में इसकी टैबलेट्स और कैप्सूल दोनों अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स इतनी सारी ड्रग्स जो है आपने एंटी फंगल के चैप्टर में करनी है। किसी भी ड्रग की स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में नहीं है, एक बहुत सिंपल टॉपिक है। आपने इन सारी ड्रग्स को चाहे वो नेचुरल एंटी फंगल एजेंट्स हैं उसमें दोनों ड्रग्स को आपने एक्सप्लेन करना है और सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट्स में 5 ड्रग्स को एक्सप्लेन करना है। थैंक यू।